डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद बच्चों, मैं मनोज बालियान फैकल्टी ऑफ जीएस दून डिफेंस एकेडमी एक बार फिर आप लोगों के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, दून डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो है वीकली करंट अफेयर की क्लास डालते हैं, जो आपका जो भी आपका वीकली यूनिट टेस्ट आपका दून डिफेंस एकेडमी कंडक्ट कराता है उसके लिए, प्लस आपका जितने भी आपका वन डे एग्जाम्स है, चाहे डिफेंस के हो, एसएससी, सिविल सर्विस, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, कोई भी आपका वन डे एग्जाम होगा, ये सब के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इसी के लिए काम करते हैं। ठीक है बेटा, और विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग जो है पहले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। और पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, स्क्रीन पे है, जो देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है बेटा, डोनी पोलो एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी। डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अभी किया गया है? तो बेटा अगर डोनी पोलो एयरपोर्ट की अगर हम बात करें बेटा, ये हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है बेटा, सेवन सिस्टर्स के नाम से जिसको हम जानते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तरी पूर्वी राज्य, ये पूर्वी राज्यों का बेटा हमारा 16th आपका एयरपोर्ट है। कितने नंबर का है बेटा? 16th एयरपोर्ट है। और इसका जो उद्घाटन है बेटा, अभी हाल फिलहाल में आपका हमारे जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किया है नवंबर में। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ये कौन से स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में है। और बेटा जो एक अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है पापुम परे, क्या है? पापुम परे, वहां पर जो है अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट पापुम परे में है ये। और ये अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है उसके आपका 16 किलोमीटर बगल में है। क्लियर? तो ये जो है एक आपका जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो क्या बेटा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, उसके अंडर ये बना है। और इसका जो आपका फाउंडेशन रखी गई थी बेटा, वो 2019 में, कब रखी गई थी? 2019 में शिलान्यास हुआ था, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और अभी हाल फिलहाल में ये जो है बेटा आपका फंक्शनिंग में आ गया है। क्लियर? इसी के साथ साथ जब आपका वहां पे आपका इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, इसी के साथ साथ आपका अरुणाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने एक आपका 600 मेगावाट का एक जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन का भी जो है वहां पे उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश में ही। क्लियर? स्टेट होस्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022। उत्तरी पूर्वी राज्यों में बेटा जो 2020 में आपका ओलंपिक खेल हुए हैं, ये जो ओलंपिक खेल है बेटा उत्तरी पूर्वी राज्यों के हैं। किसके हैं? केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों के हैं। तो इसका जो सेकेंड एडिशन हुआ है, ये बेटा सेकेंड एडिशन था। इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 2018 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 2018 में हुआ था। क्लियर? तो अभी ये जो सेकेंड एडिशन हुआ है बेटा, ये मेघालय में, शिलोंग में हुआ है, कैपिटल में मेघालय में हुआ है। और इसमें मेडल टैली में जो फर्स्ट स्टेट रहा है बेटा, वो मणिपुर रहा है। कौन सा रहा है? मणिपुर रहा है। तो क्वेश्चन बेटा, या तो पहला कब हुआ था 2018 में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो ओलंपिक है, और सेकंड हुआ है बेटा अभी आपका सेकंड कब हुआ बेटा 2022 में, कहां पे हुआ है? मेघालय में। और किस स्टेट की फर्स्ट रैंक रही है बेटा इसमें? मणिपुर में, मेडल टैली में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आर्टेमिसिन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ड्रग्स अगेंस्ट विच डिसीज। ये कह रहा बेटा, समाचारों में देखा गया आर्टेमिसिन किस रोग के लिए एक प्रसिद्ध औषधि का एक प्रमुख घटक है। बेटा यहां पे चार डिसीज आपका लिखी गई है, एक तो हाइपरटेंशन, मलेरिया, डायबिटीज एंड सारस। ठीक है, सार्स बेटा, जो एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का जो हेडक्वार्टर है बेटा वो जेनेवा में है। वो कहां पे है बेटा? जेनेवा। और जो जेनेवा है बेटा वो स्विट्जरलैंड में है। वो कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है, यूरोपियन कंट्री में है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में जेनेवा में, सॉरी WHO ने बेटा एक ये आपका मेडिसिन लॉन्च की है अफ्रीकन कंट्रीज में। कहां पे आपका? अफ्रीकन कंट्रीज में। और जिसका जो मुख्य घटक है बेटा वो आर्टेमिसिन है। और ये आपका जो एक मलेरिया बीमारी है, डिसीज है, किसके लिए? मलेरिया के लिए जो है ये यूज होती है। किसने लॉन्च किया है? WHO ने बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है कि विच कंट्री लॉन्च द हवासोंग और द मॉन्स्टर मिसाइल।
ये चाइना, नॉर्थ कोरिया, इसराइल एंड जापान। बेटा नाम से देखो, आवाज सुन करके जैसे चाइनीज टाइप के नाम लग रहे हैं। चाइनीज मतलब चाइनीज या आपका ताइवान या फिर आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कुछ नाम वैसा लग रहा है पढ़ने में। ये जो मिसाइल लॉन्च की है अभी हाल फिलहाल ने बेटा आपका नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? नॉर्थ कोरिया ने, क्लियर। और नॉर्थ कोरिया के जो आपका मोनार्क है किम जोंग उन, आप जानते ही होंगे उनको, बहुत अच्छे हैं, क्लियर। जो किम जोंग उन है उन्होंने इसके लिए जो साइंटिस्ट की टीम, वो इंजीनियर्स वगैरह की जो टीम लगी हुई थी इसके लिए, उनको सबको प्रमोट किया है, उनका सबका क्या है, प्रमोशन किया है। और सबसे बड़ी और गजब की बात यह है कि यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में हमेशा आपका टेंशन चलती रहती है। तो ये जो मिसाइल है इसकी जो स्ट्राइक रेंज है जहां तक ये अटैक कर सकती है उस रेंज में अमेरिका भी आ गया है, क्लियर। तो इसकी जो स्ट्राइक रेंज है बेटा वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 15,000 किलोमीटर है। तो नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को अपनी स्ट्राइक रेंज में ले लिया है, क्लियर। इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो जो जो बाइडेन है उनको वहीं पे जो है ये जाके सलाम कर सकती है, क्लियर। ये बेटा एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। क्या है ये? न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स है और ये वर्ल्ड की टॉप मिसाइल्स में आती है। तो ये आने वाले फ्यूचर के लिए अपने आप में एक खतरा है, क्लियर। तो इसको किसने लॉन्च किया बेटा? नॉर्थ कोरिया ने। आगे बेटा ये कह रहे हैं व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। पहली बात तो बेटा जो हमारे यहाँ चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है वो 14th of November को मनाया जाता है। इंडिया में अगर मैं बात करूं बेटा, इंडिया में हमारे जो चाचा होते थे जिनको हम जेएल नेहरू कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, उनके बर्थडे को जो है चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि जो चाचा जी थे वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और आपने देखा होगा फूल भी लेके चलते थे, उसका भी कोई मतलब था जो लेके चलते थे चाचा जी, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस में जो है 14 नवंबर को बेटा, 14th of November को जो है इंडिया में, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा हम लोग आपका वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, जो बेटा वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th नवंबर, 20th नवंबर एवरी ईयर, 20th नवंबर एवरी ईयर प्रत्येक साल जो है बेटा 20 नवंबर को जो है विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और एक जो बॉडी है बेटा यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके अंडर उसका एक ऑर्गन काम करता है बेटा जिसका नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है बेटा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। बात समझ आई बेटा? यूनिसेफ का जो यूनिसेफ है बेटा, जो क्या है यूनिसेफ ने जो है ये डे डिक्लेयर कर रखा है। और ये जो डे है 20th नवंबर, ये 20th नवंबर का जो डे है बेटा, इसको यूनिसेफ जो है एज अ एनुअल एक्शंस डे के रूप में मनाता है, एनुअल एक्शंस डे के रूप में मनाता है, जिसमें जो वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ऑल ओवर वर्ल्ड आपका जो चिल्ड्रंस है उनके वेलफेयर, उनके राइट्स के लिए जो है ये काम करता है आपका यूनिसेफ जो है। तो इसका जो थीम था बेटा वो था इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, समावेशन हर बच्चे के लिए, हर बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्लियर। तो ये था बेटा जो किसने दिया? यूनिसेफ ने। कब मनाया जाता है? 20th नवंबर को, और इंडिया वाला नेशनल 40th नवंबर को। नेक्स्ट बेटा, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है वो आपका बेटा किया गया था वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बेटा जो पहला क्वेश्चन किया था उसी के सामने हमने, उसी में हमने वो किया था जहां पे आपका एक एयरपोर्ट की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने जिसका भी आपका हाल फिलहाल में उद्घाटन किया है। तो जो कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन है बेटा इसकी जो एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी है बेटा वो 600 मेगावाट है। वो कितनी है? 600 मेगावाट है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में इसका भी जो है उद्घाटन किया है। और जो बेटा अरुणाचल प्रदेश में कामेंग रिवर है, कौन सी रिवर है बेटा? जो अरुणाचल प्रदेश में कामेंग रिवर है, कामेंग रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां है, उस पर जो है बेटा इसका उद्घाटन किया है। तो कौन से स्टेट में किया बेटा? अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन जो है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने भी हाल फिलहाल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसके बाद अगर बेटा हम चले एज पर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट GITR 2022 विच कंट्री टॉप द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। विश्व सूचकांक प्रौद्योगिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स सूची में सबसे ऊपर रहा है बेटा? सबसे ऊपर रहा है। सबसे पहली बात बेटा ये जो रिपोर्ट तैयार की है ये की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। किसने की है बेटा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में।
और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है बेटा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है बच्चों, वो है आपका कोलोगनी में। कहां पे बेटा? कोलोगनी। और ये कोलोगनी है बेटा, ये कहां पे है? ये स्विट्जरलैंड में। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। अगेन यूरोपियन कंट्री है। तो इसने बेटा ये एक रिपोर्ट जारी की है। एक्चुअली आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बेटा जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड में जो आपका एक तरीके से जो कॉम्पिटिटिवनेस है, प्रतिस्पर्धा है, डेवलपमेंट है, विकास करना है, उसके लिए किस कंट्री का क्या नेटवर्क, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स रिपोर्ट में कौन सी रैंक है वो हम देख लेते हैं। यहां पे बेटा इसमें यूएसए की फर्स्ट रैंक आई है। किसकी रैंक आई है? फर्स्ट। और सिंगापुर की जो है बेटा इसमें सेकंड रैंक है, और स्वीडन की बेटा इसमें थर्ड रैंक है, और अपना जो इंडिया है बेटा, हमारा हिंदुस्तान, उसकी जो रैंक है इसमें बेटा वो 61st है, 61वीं रैंक है। लेकिन इसमें फर्स्ट रैंक पूछी है बेटा, इसने सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर का मतलब बेटा फर्स्ट रैंक है। तो बेटा यूएसए की है फर्स्ट रैंक इसमें, सिंगापुर सेकंड, स्वीडन थर्ड, और आपका इंडिया की 61st। रिपोर्ट किसने दी है बेटा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद द एडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्डेड इन द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। बेटा सबसे पहली बात आप लोगों को यह पता होना चाहिए, जो अभी आपका 53rd आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिए गए हैं, ये जो सॉरी ये जो हेल्ड हुआ है प्रोग्राम, ये किस जगह पे हुआ है बेटा? जो हमारा स्टेट है गोवा। कौन सा स्टेट है? गोवा। और गोवा में बेटा जो पणजी है, पणजी में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और हमारे जो सेंटर में आपका स्टेट मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर यूनियन में, जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, वो भी वहां पे उपस्थित थे। तो उन्होंने बेटा आपका इसमें जो है, इस अवार्ड के लिए जो चुना गया है, वो आपका जो चिरंजीवी है, साउथ इंडियन एक्टर है, साउथ के चिरंजीवी, उनको जो ये दिया गया है। और ये जो है बेटा तेलुगु, तेलुगु लैंग्वेज की, तेलुगु भाषा में जो फिल्में बनाते हैं उसमें इनका जो रोल है, उसके लिए इनको जो दिया गया है। चार डिकेड से, लगभग 40 सालों से जो है आपका ये सिनेमा का फील्ड में जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए जो है ये दिया गया है। और जो तेलुगु लैंग्वेज है बेटा, जो क्या बेटा तेलुगु लैंग्वेज है, ये आपका तेलंगाना और तमिलनाडु, तेलंगाना और तमिलनाडु में जो है बोली जाती है बेटा। आगे बेटा नेक्स्ट, विच फोरम लॉन्च द लॉस एंड डैमेज फंड टू सपोर्ट द पोरेस्ट कंट्रीज। किस फोरम ने गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और क्षति को कोष का लॉन्च किया है? बेटा एक बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, ध्यान से सुनना बेटा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दोबारा बता देता हूं बेटा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो बॉडी है बेटा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसका एक और दूसरा नाम है जिसको बोलते बेटा आईपीसीसी। क्या बोलते बेटा? आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। जो वर्ल्ड में बेटा आपका ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो एटमोसफेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लियर बात समझ आई? तो उस पे ये काम करता है आपका क्लाइमेट में एक बैलेंस बनाने के लिए, जो इमिशन हो रहा है उसको कम करने के लिए, क्लियर? तो इसकी जो है बेटा एनुअल मीटिंग होती है। क्या होती है? एनुअल मीटिंग होती है। और यूएनएफसीसी का, यूएन ट्रिपल सी का जो गठन हुआ था आईपीसीसी का बेटा 1992 में हुआ था। अब इसकी जो बैठक होती है, इसकी क्या होती है, जो बैठक होती है बेटा उसको सीओपी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो पार्टीज है बेटा वो देश है, उसकी मेंबर कंट्रीज है। तो ये जो बेटा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इसकी आपका 26, 27 और 28 जो 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, देशों की मीटिंग हुई थी बेटा यूएनएफसीसी की, वो बेटा ग्लासगो में हुई थी। कहां पर हुई थी? ग्लासगो। ग्लासगो जो है बेटा वो स्कॉटलैंड में है। वो कहां पे है? स्कॉटलैंड में। और अभी बेटा इसकी जो 27th आपका मीटिंग हुई है, वो आपका वो बेटा शर्म अल शेख में हुई है। कहां पे हुई है? शर्म अल शेख। जो शर्म अल शेख है बेटा, मैं इधर लिख रहा हूं, वहां पे स्पेस नहीं है, वो बेटा इजिप्ट में है। वो कहां पे है? इजिप्ट, जिसको बेटा हिंदी में
मिस्र कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मिस्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हिंदी में उसको, मिस्र कहते हैं। और जो नेक्स्ट आपका 2023 में बेटा कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग होगी वो आपका दुबई में होगी। वो कहां पे होगी बेटा, दुबई में होगी। वो कहां पे होगी, दुबई में होगी। तो पहले वाली 26, 27, 28 वाली, ये तीनों आपको याद रखनी है बेटा, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। और 1992 में आपका UNCCC का या IPCC का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसमें बेटा जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका है, जापान है, बात समझ आई, यूरोपियन कंट्रीज है, तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो है एनवायरमेंट का लॉस किया है, उसको प्रभावित किया है इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा है, तो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन इन्होंने सबसे ज्यादा किया है। और वर्ल्ड में बेटा टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज है, एक तो डेवलप्ड और एक डेवलपिंग। एक बेटा डेवलप्ड है और एक आपका डेवलपिंग है। जो डेवलप्ड है तो है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा। डेवलपिंग में एक तो LDC है, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, और एक फास्ट डेवलपिंग है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, ये जो है बेटा फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज है। लेकिन जैसे बर्मा है, म्यांमार है, ये आपका LDC है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है। तो यहां पर एक तो ये भी बात रही है कि भाई आपका जो फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है, लाइक इंडिया एंड चाइना, इनको भी इसमें जो है आपका कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी एनवायरमेंट को लॉस किया है, डैमेज किया है ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज्यादा मैक्सिमम इमिशन करके। तो जो गरीब देश है, पुअर देश है बेटा, उनके लिए, उनको हेल्प करने के लिए यहां पर जो है ये लॉस एंड डैमेज फंड जो है, जो COP27 हुआ बेटा, जो कौन सा हुआ, COP27 हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है UNCCC के मेंबर कंट्रीज की, और जो आपका शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई है, वहां पर जो है बेटा ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच इज द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू विन अ मेडल इन द ITTF AWTU एशियन कप। सबसे पहली बात तो बेटा आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये जो कप है ये किससे रिलेटेड है, ये बेटा टेबल टेनिस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है, क्लियर। तो हाल फिलहाल में अभी जो ये प्रतियोगिता संपन्न हुई बेटा, ये आपका बैंकॉक में हुई। ये कहां पे हुई बेटा, ये कप का ऑर्गेनाइजेशन कहां पे हुआ इस गेम के लिए, वो हुआ बेटा बैंकॉक। और बैंकॉक पड़ता है बेटा थाईलैंड में। ये कहां पे पड़ता है, थाईलैंड बेटा एशियन कंट्रीज है। तो यहां पर जो है बेटा इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा ने, जिसकी वर्ल्ड में बेटा 44th रैंक है, जिसकी कितनी रैंक है वर्ल्ड में टेबल टेनिस प्लेयर में 44th रैंक है, तो इंडियन फीमेल प्लेयर मनिका बत्रा ने जापानीज प्लेयर जिसकी 6th रैंक है बेटा हिना हयाता, जिसकी वर्ल्ड में कौन सी रैंक है 6th, तो इंडियन प्लेयर जो है मनिका बत्रा ने जापानीज प्लेयर हिना हयाता को जो है जिसकी 6th रैंक है वर्ल्ड में, उसको डिफीट कर दिया है इसमें, और उन्होंने ये मेडल जीता है, क्लियर। तो जैसे हरियाणा में कहते हैं कि भाई हमारी छोरी छोरियों से कम ना है, तो बेटा ये बात यहां पे प्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, ये विच कंट्री इज द चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेटा ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो फॉर्मेशन हुआ, ये बेटा इसकी जो स्थापना हुई वो 2020 में हुई। वो कब हुई, 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना 2020 में। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई बेटा वो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई। वो कहां पे हुई बेटा, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई। और अभी हाल फिलहाल में इसकी जो मीटिंग हुई वो आपका जापान में टोक्यो में हुई। कहां पे हुई बेटा, जापान में टोक्यो में हुई। और नेक्स्ट जो चेयर की जो चेयरमैनशिप दी गई है वो आपका अपने इंडिया को मिली है। वो किसको मिली है, अपने इंडिया को मिली है। और ये जो बेटा GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज है, टोटल आपका मेंबर कंट्रीज है बेटा टिल डेट, वो आपका 25 है। कितने बेटा, 25 जो इसके सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये बेटा कर्मयोगी प्रारंभ इज अ कोर्स प्रिपेयर फॉर विच सेगमेंट ऑफ पीपल। बेटा ये जो कर्मयोगी प्रारंभ है ये एक ऑनलाइन इनिशिएटिव है। कैसा बेटा, ऑनलाइन इनिशिएटिव है। हमारा जो सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट कहने का मतलब बेटा यहाँ पे केवल IAS नहीं है, जो सिविल जॉब होती है, सिविल जॉब में जो लोग काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में,
तो उनकी इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए, वर्क इफिशियंसी तो इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए एक ये ऑनलाइन जो है इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जो उनका जो वर्क है वो वर्क इफिशियंसी है उसको इनहेंस किया जा सके। तो ये जो है बेटा फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। नेक्स्ट बेटा ये कह रहा है बेटा संगई फेस्टिवल, संगई फेस्टिवल इज अ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। बेटा जो संगई फेस्टिवल है वो जो है आपका जो हमारा मणिपुर स्टेट है, जो कौन सा स्टेट है, मणिपुर फेस्टिवल है, सॉरी मणिपुर स्टेट है उसमें मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2010 में हुई थी, ये स्टार्ट कब हुआ था 2010 में हुआ था। ये कल्चरल फेस्टिवल है, ये कैसा फेस्टिवल है, कल्चरल फेस्टिवल है ये आपका भूटान वगैरह और सारे कई देशों में भी मनाया जाता है। क्लियर? तो अभी हाल फिलहाल में ये मनाया गया इसलिए ये खबरों में था। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इन 2022। बेटा जो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है सबसे पहली बात तो ये इंडिया में हुआ है। कहां पे हुआ है? इंडिया में हुआ है। और अगर बेटा इंडिया में हुआ तो इंडिया का एक ही सिटी इसके अंदर है, न्यू दिल्ली। अभी हाल फिलहाल में नवंबर में ये बेटा जो मानेकशॉ, मानेकशॉ ऑडिटोरियम है न्यू दिल्ली में, मानेकशॉ ऑडिटोरियम है वहां पर जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। एक्चुअली जो इंडियन नेवी है, जो क्या है बेटा इंडियन नेवी है, उसके जो स्ट्रेटेजी है, उसकी जो प्लानिंग है, उसको लेके जो है ये यहाँ पे आपका इंडियन नेवी इसको ऑर्गेनाइज करती है और ये हाल फिलहाल में आपका न्यू दिल्ली में जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। Which Indian was conferred UNEP Champions of the Earth Award? बेटा ये जो बॉडी है UNEP की जो फुल फॉर्म है United Nations Environment Program, United Nations Environment Program। ये जो बॉडी है बेटा ये UNO के अंडर काम करती है। किसके अंडर? UNO के अंडर काम करती है। UNO का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे बेटा? न्यूयॉर्क में है। और जो बेटा आपका UNEP है, UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है। वो कहां पे है बेटा? नैरोबी में है। और जो नैरोबी है बेटा वो केन्या में है। वो कहां पे है? केन्या। और केन्या जो है बेटा एक अफ्रीकन कंट्री है। केन्या क्या है? केन्या जो है बेटा एक अफ्रीकन कंट्री है। तो ये एनवायरमेंट के फील्ड में काम करने वाले लोगों को जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको जो है बेटा ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है। क्लियर? तो एनवायरमेंट के फील्ड का अवार्ड है ये जो है बेटा। जो पूर्णिमा देवी है, जो कौन है? पूर्णिमा देवी है इंडिया की, उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है पूर्णिमा देवी जी को। और ये जो पूर्णिमा देवी है बेटा ये असम से है, आसाम या असम, असम से है। वहां पे कोई आपका कोई लोकल प्रजाति होती होगी बर्ड की जिसकी जो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है तो उसको बचाने के लिए ये काम करती है ये आपका, बल्कि डॉक्टर पूर्णिमा देवी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी ये आपका बायोलॉजिस्ट है। तो इन्हें जो है इसके लिए अवार्ड दिया गया। इन्होंने वहां पे हगरीला आर्मी करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1000 फीमेल्स काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच एशियन कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज अ सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी? कौन से देश ने जो है बेटा अभी हाल फिलहाल में आत्महत्या को रोकथाम करने के लिए एक नीति जारी की है, एक योजना बनाई है, प्लान बनाई है? बेटा इंडिया में 2019, इंडिया में 2019 to 2022 जो सुसाइड रेट है बेटा वो 10.2 to 11.3% बढ़ा है पर लाख पॉपुलेशन पर। तो जो सुसाइड रेट है उसको डिक्रीज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अगले 3 सालों में, नेक्स्ट 3 ईयर में आपका उसमें 10% उसको डिक्रीज करने के लिए, क्लियर, आपका भारत ऐसा पहला देश बना है जिसने आपका एक ऐसी पॉलिसी रिलीज की है जिसमें सुसाइड रेट को जो है कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, रोकथाम के लिए जो है काम किया जाएगा। नेक्स्ट बेटा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया ऑफ द इलेक्शन कमीशन? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बेटा अभी हाल फिलहाल में आपका जो अपॉइंट किया गया है, सबसे पहली बात तो बेटा जो संविधान का आर्टिकल 324 है
उसमें आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी आती है जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है, और इसमें बेटा तीन मेंबर होते हैं, एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं बेटा इलेक्शन कमिश्नर्स, दो। तो बेटा जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो तो राजीव कुमार जी है, वो कौन है, राजीव कुमार जी है। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर है उसमें से एक की जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो बेटा अभी आपका अरुण गोयल का अपॉइंटमेंट हुआ है। किसका हुआ है? अरुण गोयल का। आपने देखा भी होगा सुप्रीम कोर्ट में, अभी इसको जाके कुछ सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके एक केस चल रहा है, क्योंकि जो अरुण गोयल जी है वो जो हमारे सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज है उसमें सेक्रेटरी होते थे। क्या होते थे? सेक्रेटरी। तो ये ब्यूरोक्रेट थे, तो वीआरएस लेके अर्ली रिटायरमेंट लेके तो फिर इनको गवर्नमेंट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमिश्नर बना दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बोला है। क्लियर? तो ये जो है आपका अरुण गोयल जी है, इनका जो कार्यकाल होता है बेटा सीईसी का होता है 6 ईयर्स, और इनका भी ईसी का भी 6 ईयर्स होता है, लेकिन एक एज लिमिट भी होती है जो सीईसी के केस में मैक्सिमम 65 ईयर होती है और ईसी के केस में आपका मैक्सिमम 62 ईयर होती है। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद हु हैज बीन ऑनर्ड विद द पीस प्राइज बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन। तो अभी बेटा जो गांधी मंडेला फाउंडेशन है उन्होंने जो पीस प्राइज दिया है ये आपका दलाई लामा जी को दिया है। किसको दिया है? दलाई लामा जी को दिया है। और दलाई लामा को बेटा आपका 1989 में, कौन से ईयर की बात है बेटा, 1989 में जो है इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो दलाई लामा जी को अरुणाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो विश्वनाथ करके समथिंग आई थिंक अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है उन्होंने जो है ये अवार्ड जो है इनको दिया है। और इसका जो चुनाव करते हैं वो एक पैनल बनाया जाता है, उसमें 5 लोग होते हैं, इसमें जजेस वगैरह होते हैं, तो उन्होंने इनका चुनाव किया उसके बाद जो इनको दिया गया। इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज शत्रुनाश बाय द इंडियन आर्मी वॉज कंडक्टेड इन विच स्टेट। ये जो इंडियन आर्मी है बेटा उसकी एक एक्सरसाइज है एनिमी आर्मी पे अटैक करने के लिए, एक प्रिपेयरनेस के लिए। क्लियर? तो इसका जो ऑर्गेनाइज, इसको जो ऑर्गेनाइज किया है आर्मी ने वो राजस्थान में किया है, और राजस्थान में बेटा जो महाजन फायरिंग रेंज है, जो कौन सी है बेटा, जो महाजन फायरिंग रेंज है, और जो महाजन फायरिंग रेंज है बेटा, महाजन फायरिंग रेंज है बेटा वो आपका बीकानेर में है। वो कहां पे है? बीकानेर पे। तो वहां पे इंडियन आर्मी ने जो इसको अभी हाल फिलहाल में ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। बेटा भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए, आई मीन टू से कि अब इंडिया से उस कंट्री में जो प्रोडक्ट्स आएंगे एक्सपोर्ट होंगे और उस कंट्री से जो इंडिया में आएंगे हमारे यहां इंपोर्ट होंगे, यानी कि दोनों कंट्री एक दूसरे से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी, जो प्रोडक्ट्स आएगा उस पर कोई भी टैरिफ ड्यूटी टैक्स नहीं लगाएंगे। इससे बेटा प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है। प्रोडक्शन को अगर बढ़ावा मिलेगा, पहली बात तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। एक्सपोर्ट को अगर बढ़ावा मिलेगा बेटा तो प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बेटा उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, रोजगार जो है जनरेट होता है। तो ऐसा जो अभी हाल फिलहाल में आपका एग्रीमेंट के लिए किसी पार्लियामेंट में पास किया गया किसी देश की, वो बेटा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने अभी इसको लेके जो है एफटीए के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते के लिए जो है अपने पार्लियामेंट में विधेयक जो है पास किया है जो इंडिया के साथ करेगा। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान। बेटा कजाकिस्तान जो आपका रशिया से जब यूएसएसआर टूटा था, ब्रेक हुआ, तो 1991 में जो एक कंट्री बना कजाकिस्तान, उसके 7th प्रेसिडेंट के रूप में अभी आपका वो जो है आपका कासिम जोमार्ट टोकायेव, कासिम जोमार्ट टोकायेव जो है उसके जो है 7th प्रेसिडेंट के रूप में, 7th प्रेसिडेंट के रूप में अभी हाल फिलहाल में जो इलेक्ट हुए हैं। हु हैज बीन कंफर्ड विद द प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। बेटा ये जो कलाम सेवा पुरस्कार है, अभी हाल फिलहाल में जब आपका हमारे इंडिया में कोविड स्टार्ट हुआ 2020 में, तो उस टाइम पे बेटा एक बच्चा तेलंगाना का जिसका नाम है रवि कुमार सागर, जिसका नाम क्या है, रवि कुमार सागर,
इसने उस टाइम पे जो आपका पीपीई किट, सैनिटाइजर, फेस मास्क वगैरह ये सब चीजें जो है सप्लाई करनी शुरू की हॉस्पिटल में। और नाउ रवि कुमार सागर जो तेलंगाना का है, ही बिकेम द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द इंडिया, भारत का सबसे युवा उद्यमी बन गया है। तो इसको जो है उस टाइम पे इसने जो काम किया उसके लिए भी हाल फिलहाल में जो है डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार जो है दिया गया है 2022 में। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस? 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस बेटा सबसे पहली बात तो ये जो 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ई गवर्नेंस हुई है ये बेटा जम्मू कश्मीर में हुई है। ये कहां पे ऑर्गेनाइज हुई है? जे एंड के में बेटा कटरा में। कहां पे बेटा? कटरा में ऑर्गेनाइज हुई है 25th। और अगर ये 25th थी बेटा तो ये अपने आप में सिल्वर जुबली थी। ये क्या थी? सिल्वर जुबली थी, 25वीं थी। इसका जो थीम था वो था बेटा आपका ब्रिंगिंग सिटीजन्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर, नागरिकों, उद्योग एवं सरकार को करीब लाना ताकि हमारे यहां जो है इंडस्ट्री जो है ग्रोथ कर सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, इंडियन जीडीपी ग्रो कर सके। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद सारंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन एम्बेसी इन विच कंट्री? बेटा जो सारंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल अभी ऑर्गेनाइज हुआ है वो आपका साउथ कोरिया के एक सिटी बुसान में बेटा। कहां पे बेटा? बुसान में ऑर्गेनाइज हुआ है। एक्चुअली इट्स अ एनुअल कल्चर प्रोग्राम बिटवीन इंडियन एंड साउथ कोरियन एम्बेसी। बात समझ आई? तो ये आपका भी आपका बुसान में साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद ये कह रहा बेटा अरिटा पट्टी हैज बीन नोटिफाइड एज द फर्स्ट बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? बेटा जो अरिटा पट्टी है वो आपका मदुरई में है। वो कहां पे है? मदुरई में बेटा। और जो बेटा मदुरई होगा वो आपका तमिलनाडु में होगा। तो तमिलनाडु में जो अरिटा पट्टी है बेटा ये तमिलनाडु का फर्स्ट विलेज है जो बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट के रूप में जो है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में जो डेवलप किया जाएगा, जिससे वहां पे जो है बहुत सारी जो आपका स्पीसीज है, प्लांट्स है, उन सब के लिए जो है जो डिफरेंट डाइवर्स स्पीसीज है उन सब के लिए फायदा होगा। तो ये जो है आपका तमिलनाडु में है आपका अरिटा पट्टी मदुरई डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट बेटा, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022? बेटा ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड है। ये जो हुआ है दिल्ली में हुआ है, मानेकशॉ ऑडिटोरियम में हुआ है और इंडियन नेवी का एक्चुअली ये है प्रोग्राम स्ट्रेटेजिकल। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द कतर वर्ल्ड कप? बेटा कतर में जो चल रहा है वर्ल्ड कप फीफा का, उसका लिए जो आपका एक शुभंकर है मैस्कट है वो आपका लाइब है। लाइब क्या बेटा? लाइब उसका एक ऑफिशियल नेम है, लाइब, जो एक आई थिंक एक बर्ड टाइप है, फ्लाइंग मोड में दिखाया गया है। क्लियर बेटा? विच कंट्री विल होस्ट द इनॉग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट वीक इन 2023? बेटा जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जो क्या बेटा आपका जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो आपका 1894 में फॉर्म हुई थी, उसने जो है आपका ओलंपिक खेलों के लिए अवेयरनेस के लिए ई स्पोर्ट्स वीक डिक्लेयर किया है, जिसका जो फर्स्ट टाइम आपका 2023 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो जब ये 2023 में ऑर्गेनाइज होगा तो इसको जो आपका होस्ट करेगा सबसे पहले वो आपका सिंगापुर करेगा। कौन करेगा बेटा? सिंगापुर, जिसमें बेटा सिंगापुर नेशनल ओलंपिक कमेटी प्लस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये दोनों मिलकर जो है इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। किसको बेटा? ई स्पोर्ट्स वीक को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 29, हु इज द विनर ऑफ द 2022 जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर? बेटा जेसीबी आपने सुना होगा, जेसीबी जो एक हैवी मशीन टाइप होती है, बहुत बड़ा एक मशीन है, जनरली जो आपका लेबर वर्क में को इजी करने के लिए बनाई गई है। ये आपका एक जो ब्रिटेन है, जो क्या है बेटा?
जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की एक कंपनी है, वो इसकी मैन्युफैक्चरर है। तो ब्रिटेन की उस कंपनी ने बेटा एक जेसीबी लिटरेचर प्राइज जो है शुरू किया, और ये जो जेसीबी लिटरेचर प्राइज है बेटा, इट वॉज स्टार्टेड इन 2018, इट वॉज स्टार्टेड इन 2018, क्लियर। तो इस बार का जो आपका जेसीबी लिटरेचर प्राइज है, जो हमारे यहाँ आपका जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, उसके जो प्रोफेसर है, जिनका नाम है खालिद जावेद, क्या नाम है बेटा, खालिद जावेद, खालिद जावेद को जो है, उनका जो एक नोवल है बेटा, जिसका नाम है फूड फॉर द पैराडाइज ऑफ फूड, क्या बेटा, द, इनका एक नोवल है द पैराडाइज ऑफ फूड, तो उसके लिए जो है बेटा, इस बुक के लिए, इस नोवल के लिए खालिद जावेद को जो है दिया गया है। और आज का जो बेटा क्वेश्चन था, यही था लास्ट, तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। सब लोग इसको पढ़े और इसका फायदा उठाए पूरा, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत बेटा। काइंडली सब्सक्राइब डीडे यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।